गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में क्लास फोर्थ की चैप्टर नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। धनी एक बच्चा है जिसको पता है कि आश्रम में कोई योजना बन रही है, लेकिन उसको कोई नहीं बताता था, क्योंकि वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो धनी सोच रहा है कि आश्रम में कोई योजना चल रही है और उसको बताया नहीं गया है, क्योंकि वो एक 9 साल का बच्चा है, इसलिए सब उसे क्या समझते हैं, बुद्धू समझते हैं, बट वो बुद्धू नहीं है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो धनी और उसके जो पेरेंट्स थे कहाँ पर रहते थे, महात्मा गांधी का जो आश्रम था अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, वहाँ पर रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बात सुनते। तो वे सब लोग आश्रम में रहने के लिए आते थे, वे सब स्वतंत्रता यानी आज़ादी, स्वतंत्रता हम बोलते हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कब्जा किया हुआ था, उनका राज था, तो गांधी जी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो वहाँ पर जो भी लोग उनके साथ आते थे आश्रम में, तो जो गांधी जी थे उनके साथ चरखों में खादी के सूत बनाते थे, भजन गाते थे गांधी जी के साथ और गांधी जी की बातें सुनते थे। ठीक है, साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहाना और सब्जी उगाना। मतलब वहाँ पे आश्रम में जो भी आता कुछ ना कुछ काम लेता था और काम वो काम करता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी था जो बच्चा, उसका क्या काम था, जो बिन्नी नाम की एक बकरी थी उसकी देख रेख करना था। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। धनी है जो उसको अपना बकरी को संभालने वाला काम अच्छा लगता था, क्योंकि बिन्नी उसकी सहेली बन गई थी, वो उससे हर बातें शेयर करता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। तो एक दिन की बात है, जब धनी क्या कर रहा था, बिन्नी को हरी घास खिला रहा था और उसके बर्तन में पानी पिला रहा था, तो वो बिन्नी को बोलता है कि बिन्नी ज़रूर कोई बात है, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो बच्चा बोलता है कि ज़रूर गांधी जी के कमरे में बैठ के जो कुछ ना कुछ योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात सब समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कूदती फाँदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो जब वो रसोई की तरफ गया धनी, जब उसको भूख लगी तो उसकी माँ पे चूल्हा पे क्या कर रही थी, काम कर रही थी। अम्मा, क्या गांधी जी की कहीं जा रहे हैं? तो वो बोलते, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने अम्मा से पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा, कहाँ जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं, अब सवाल पूछना बंद करो, उसकी माँ बोलती है, वे सब यात्रा में जा रहे हैं। तो धनी सवाल करता है, यात्रा पे कहाँ जा रहे हैं, तो उसकी माँ बताती है कि समुद्र के पास कहीं, अब और सवाल मत करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या, धनी ने क्या किया, सो सब्जियों की क्यारियों की तरफ बैठ गया, जहाँ पे सब्जी की छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है, वहाँ पे सब्जी लगाई जाती है। और एक जो चाचा था बिंदा, बूढ़ा था, वो आलू खोद रहा था वहाँ पे। वो चाचा से पूछता है कि आप भी वहाँ यात्रा पे जा रहे हो। बिंदा ने सर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है? तो बिंदा ने सर हिलाकर मना कर दिया। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी ने पूछने लगा कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो उसको बहुत उत्सुकता थी जानने की कि ये लोग यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो।
वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले सबसे तुम इस बकरी को बांध के आओ, मेरा सारा पालक चबा रही है, मेरा सारा पालक खा रही है ये। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। तो वो बताते हैं कि गांधी जी और उनके जो कुछ साथी हैं वो गुजरात में पैदल जाएंगे चलकर, और दांडी नाम की एक जगह पर जाएंगे जो समुद्र के पास है। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, पूरा एक महीने तक पैदल चलेंगे। दांडी पहुँच कर वे नमक बनाएंगे, और दांडी जाकर वे क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठा। नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। धनी बहुत चौक के मतलब शौक होके बोला कि नमक, नमक तो किसी दुकान से भी खरीद सकते हैं, तो इतना पैदल चल के क्यों जा रहे हैं उसको बनाने के लिए। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। बिंदा हंस के बोलता है कि मुझे मालूम है, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। तो वो बच्चे को बोलता है बिंदा हंसते हुए, ये तो तुमको मालूम है कि महात्मा जी जब भी कोई विरोध करते हैं, मतलब किसी चीज़ का अगेंस्ट होते हैं, तो वो यात्रा करके जुलूस निकाल के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए, पर नमक को लेकर विरोध क्यों रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि जो ब्रिटिश सरकार है मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह का जुलूस निकाल रहे हैं, सत्याग्रह मतलब बिना लड़ाई के किए जाने वाला विरोध, ठीक है। तो क्योंकि गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे, वो लड़ाई झगड़े के खिलाफ थे, तो वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे। तो वो बोलता है ये तो ठीक है, पर नमक को लेकर वो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं कि एक नमक को लेकर वो क्या कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। तो वो बोलता है कि सही बोल रहे हो धनी, पर तुमको क्या पता है कि हमें नमक के लिए कर देना पड़ता है, कर मतलब होता है टैक्स। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। तो वो बोलते हैं यानी भारत में जितने भी लोग हैं गरीब से गरीब लोग भी ये टैक्स देते हैं। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। धनी गुस्से से बोलता है कि यह तो सरासर क्या है, अन्याय है, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो वे बोलते हैं कि सही बोल रहे हो तुम, लेकिन जो वो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश सरकार है, वो भारतवासियों को नमक नहीं बनाने देते, ऊपर से नमक पर टैक्स लगा रहा है। तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया है कि वे दांडी जाएंगे चलकर और समुद्र के किनारे जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे, एक महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे हैं। वो बोलता है कि वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते, पैदल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो उन्होंने बताया कि वो पैदल इसलिए जा रहे हैं, गाड़ी बस से जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो पैदल जाएंगे तो सब लोगों को पता चलेगा, अखबारों में ये खबर आएगी, रेडियो में ये खबर आएगी, तो ऐसे में पूरे लोग जान जाएंगे कि हम लोग स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए एक शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अकल मंद है ना, है ना। धनी की आंखें चमकी। तो वो बच्चा बोलता है गांधी जी तो बहुत इंटेलिजेंट है। वो बहुत खुश होके बोलता है। बिंदा ने हंसकर कहा हाँ वही तो है ही। तो वो बोलते हैं हाँ वो तो है ही। वो ऐसे दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा कात रहे थे। तो जब दिन हो गया, आश्रम में थोड़ी सी शांति हुई, तो पिता को ढूंढने के लिए निकल गया और पेड़ के नीचे चरखा कातने रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं, धनी ने सीधे काम की बात पूछी। और जाते ही उसने डायरेक्ट ये पूछा कि पिताजी क्या आप और जो अम्मा मतलब माँ,
आप लोग भी क्या दांडी की यात्रा में जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। तो वो बोलते हैं, आप और माँ यही रहेंगे, मैं तो दांडी की यात्रा में जा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं उसके पिताजी कि मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। लेकिन धनी बोलता है कि मैं भी चलूँगा। तो वो बोलता है कि तुम यहीं रहोगे, बेकार की बातें मत करो, सिर्फ जवान लोग जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो वे बोलते हैं, इस यात्रा में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो महात्मा गांधी जी खुद चुनेंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। तो धनी क्या बोलता है कि ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा डायरेक्ट, धनी ने खड़े होकर बोला और वहां से चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। तो जो बच्चा था उसने डिसाइड किया कि मैं गांधी जी से बात करूंगा कि मैं अभी दांडी यात्रा में जाऊंगा। तो वह बहुत बिजी रहते थे, लेकिन उसको वह समय मालूम था जब वह आश्रम में पैदल घूमते थे, तो उसने सोचा मैं उस टाइम पर बात करूंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जो बकरी थी और धनी था उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले, बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। तो उन्होंने देखा और उन्होंने धनी उस बच्चे को बुलाया कि इधर आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा, बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी। बापू। और आप? यह बकरी है। तो वो बोलता है, मेरा नाम धनी है बापू, और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ, ये मेरी बकरी है और इसी का दूध आप रोज सुबह पीते हैं, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो गांधी जी बोलते हैं, बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी बोलता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। थोड़ा घबराते हुए वो पूछता है, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिताजी जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक है बेटा, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आएगी। तो गांधी जी इसको समझाते हैं कि अगर मैं इतना सारा चलूंगा तो मैं बहुत थक जाऊंगा, और अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, और मैं आकर दूध कैसे पीऊँगा फिर से ताकत लाने के लिए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। तो वो बोलता है, हाँ ये बात तो ठीक है, बिन्नी खाती तभी है जब मैं उसे खाना खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो ये थी हमारी कविता, सॉरी पाठ था, जिसमें हमने पढ़ा गांधी जी की यात्रा के बारे में, जो ब्रिटिश द्वारा कर लगाए जाते थे, नमक पे टैक्स लगाए जाते थे, उसके विरोध में गांधी जी कहाँ जा रहे थे? यात्रा पे जा रहे थे, सत्य ठीक है, दांडी यात्रा पे जा रहे थे समुद्र के किनारे अहमदाबाद, ताकि वो विरोध दिखा सकें नमक के कर के ऊपर। लोगों पे ये बात पहुँचे कि भारतीयों पर कितना अत्याचार हो रहा है, नमक पर भी उनसे कर लिया जा रहा है, और दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा भी भारत का कितना ज़्यादा क्या है, स्वतंत्रता को लेकर, अपने देश को लेकर कितना ज़्यादा जागरूक है, कितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं। अगर मतलब ज़रूरत पड़े तो एक छोटा सा बच्चा भी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो ये हमारा पाठ था स्वतंत्रता की, और